भारत की सबसे ज्यादा पैसों से बनने वाली फिल्म आदि पुरुष जिसका बजट 500 करोड़ रुपए था और इसके सीजीआई इतने रद्दी हो गए थे कि इसे वापस ठीक करने के लिए 250 करोड़ और दिए और अब यह 750 करोड़ में बनके तैयार हो गई है, जिसका ट्रेलर 3 मिनट 19 सेकंड का हमारे सामने परोसा गया है। और क्या ट्रेलर टीजर से काफी अच्छा है या कुछ चीजें अच्छी कर दी गई हैं? और 250 करोड़ में और 750 करोड़ में इतने ग्रैंड बजट में हमें रामायण देखने को मिलने वाली है, वो प्रभास एज अ राम क्या अच्छे लग रहे हैं? आइए आगे इस वीडियो में जानते हैं। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। आज से 7 महीने पहले आदि पुरुष का टीजर आया था और वो टीजर इतना हिट हुआ था कि उसके 106 मिलियन व्यू हुए। और टीजर ऐसे ही हिट नहीं हुआ था, इसमें इतनी सारी कमियां थी जिसको गिनते गिनते आपकी उंगलियां खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी कमियां सीजीआई में खत्म ही नहीं होगी। हर एक कैरेक्टर कॉपी लग रहा था, हर एक कैरेक्टर सीजीआई से बना हुआ लग रहा था, एक भी जगह रियल शूटिंग नहीं दिख रही थी। लेकिन इस ट्रेलर में बहुत सारी चीजें अच्छी कर दी गई हैं। जो सीजीआई की मिस्टेक हमें टीजर में देखने को मिली थी वो ट्रेलर में कम कर दी गई है, जहाँ की लाइटिंग शेडोज जो कि अब अच्छी लग रही है, जहाँ जहाँ रियल शूट्स दिख रहे हैं, जो रियल कैरेक्टर है वो अच्छे लग रहे हैं। लाइक इसमें रावण सीता और लक्ष्मण के कैरेक्टर अच्छे लग रहे हैं और हनुमान भी एक इम्पैक्ट भर दिख रहे हैं, लेकिन प्रभास के कैरेक्टर में अभी भी सीजीआई कमी लग रही है। वानर सेना और रावण की सेना अभी भी प्रॉपर क्लियर नहीं दिखाई गई है। अगर इस ट्रेलर की कमी देखी जाए तो सीजीआई अच्छा तो हुआ है, लेकिन इतना अच्छा नहीं हुआ कि उसे वन ऑफ द टॉप कहा जाए। अगर मान के चले कि 100% में से ये जो टीजर था वो 10% अच्छा था और ट्रेलर 40% अच्छा हुआ है, लेकिन 100% अच्छा नहीं हुआ है। अभी भी कुछ कैरेक्टर और बैकग्राउंड है जो रियल नहीं लग रहे हैं। और अगर टीजर में कुछ अच्छी बात निकाली जाए तो इसका म्यूजिक अजय अतुल ने दिया है जो कि काफी शानदार लग रहा है। कुछ कैरेक्टर्स भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन प्रभास एज अ श्रीराम हमें अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि उनका टच हमेशा एग्रेसिव लग रहा है, क्योंकि राम हमें हमेशा पोलाइटली एक सॉफ्ट नेचर के दिखाए जाते थे जो हमने पुरानी रामायण में देख रखा है। वैसे आप बताइए कि अगर आपने ये ट्रेलर देखा है तो आपको कैसा लगा है, और क्या आप इस फिल्म को थिएटर में देखने वाले हो? और इसका बजट 750 करोड़ है, तो क्या इसका यह बजट भी कवर कर पाएगी या ये मैसिव हिट बन सकती है? आप मुझे कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैंने और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल बना रखे हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। जय श्री राम।